हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिविटी एंड टेस्ट हिंदी। वेल, नवंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड है, साथ ही दिवाली का सीज़न है और हम सभी इस वक्त हमारे गांव आगरा में हैं। और यहां पे मैंने आज बनाया है मटर पनीर होम स्टाइल, सिंपल वाला बट टेस्टी वाला। तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करें। आज की हमारी मटर पनीर की सब्जी 4 से 5 लोगों के लिए है, साथ ही आपको इसे बनाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 5 बड़े साइज के टमाटर, उसी के साथ 2 इंच लेंगे अदरक, 2 ले लेंगे हरी मिर्च, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, साथ ही हरा धनिया लेंगे और उसी के साथ 3 बड़े साइज के हम यहाँ पे प्याज ले लेंगे। प्याज, टमाटर और अदरक को हम कट कर लेंगे, उसी के साथ हरे धनिया को जितना हो सके बारीक काट लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, हरा धनिया भी हमारा तैयार है। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मटर ली है, 500 ग्राम हम लेंगे पनीर और पनीर को इस तरह से टुकड़ों में आप काट लीजिए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच लिया है रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर घी भी ले सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक, साथ ही डाल देंगे मिर्च और अच्छी तरह से ये चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। गैस का फ्लेम आप चाहें तो यहाँ पे कम रख सकते हैं। तो प्याज डालने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से चलाते रहिए, जब तक कि सुनहरा कलर ना आ जाए। सुनहरा कलर आने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे और उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा सॉफ्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तैयार है, तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, ठंडा भी हो गया है और इसका मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच आप घी ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल ले लीजिए या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम 1/2 चम्मच लेंगे जीरा, उसी के साथ 3 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। साथ ही मैंने 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये काफ़ी तीखा है तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। उसी के साथ हम लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, तो ये मैंने हल्दी डाल दी इसमें। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला लीजिए और उसी के साथ जो पेस्ट हमने बना के रखा है वो इसमें डाल देती हूँ मैं। पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला दें ताकि सारे मसाले और पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये यहाँ पे मैंने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद इसमें बारी है पानी डालने की, तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी ले रही हूँ। ये जो कप है वो चाय का कप है, तो ये 2 कप पानी गया। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद ढक्कन लगा के कम आंच पे हम इसे पकाएंगे, जब तक कि इसका जो घी है वो अलग ना दिखने लगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है, बहुत ही अच्छा पक गया है। तो इसे फिर एक बार मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है वो कम रखा है मैंने, तो अब टाइम है इसमें मटर डालने का। तो ये गई मटर, साथ ही अब डाल देते हैं पनीर। तो ये मैंने पनीर डाल दिया और इसे हम हल्का सा चला देते हैं। ध्यान से चलाइए, पनीर के टुकड़े जो है टूटने नहीं चाहिए। तो उसी के साथ डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, तो ये गया नमक। तो चलिए नमक डाल दिया है, मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिला देते हैं। और मिलाने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर और पकाएंगे, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, कम आँच पर पकाएँ। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा पक गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थिक चाहें थिक रखिए या फिर थोड़ा सा पतला रखना चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। कम से कम मसालों में हमारी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है और फर्स्ट टाइम मैंने गांव में ये सब्ज़ी बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें।